रिवाइज करते हैं फटाफट ना, एक बार देख लो आप लोग ड्रग्स में। देखो बच्चों, केमिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन व्हिच आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीज एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड ड्रग्स और मेडिसिन। ड्रग्स का नाम आते ही दिमाग में कुछ और ड्रग्स आता है, मुझे पता है आता होगा आपके दिमाग में, सबके आता है, लेकिन वो वाली ड्रग्स नहीं बच्चों। ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है, लिमिटेड सप्लाई में, एक्सेस नहीं, एक्सेस लेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई के अंदर क्या करते हैं बेटा, डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है, जो पेन है, तकलीफ है, सर में है तकलीफ, पैरों में तकलीफ है, बदन में तकलीफ है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, उस तकलीफ को कम करने के लिए हम ड्रग्स का, मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच क्योर द डिजीज बट इन हैबिट फॉर्मिंग कॉजेस एडिक्शन एंड हैज सीरियस साइड इफेक्ट। तो एडिक्शन नहीं लेना है बच्चों कि ज्यादा अमाउंट में, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो बहुत सारा खाना चाहता हूँ, नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी आपको लेना होगा, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में कर लोगे तो उसके साइड इफेक्ट आपको सीरियस हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। जिंदगी एक बार मिली है, अच्छे से जियो, ठीक है। यस, दूसरी मेडिसिन, मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच क्योर द डिजीज इज सेफ टू यूज हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी एंड डज नॉट कॉज एनी एडिक्शन। ये एडिक्शन क्रिएट नहीं करती है, टॉक्सिसिटी कम से कम होती है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लोग ग्रेट लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, ठीक है, जब कोई तकलीफ आती है। तो बच्चों क्लासिफिकेशन और ड्रग्स की बात कर रहे हैं, इसमें ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन द नंबर ऑफ बेस ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मैंने कल भी इसका इजी ट्रिक आपको बताया था, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है इट इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर, ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए होल बन सके, यस, इट प्रोवाइड्स ए होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें बच्चों आया है, एक मैंने कैटेगरीज कल बताई थी, पा करके बताया था, PAA अगर आपको याद होगा, एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक की कैटेगरी व्हिच इज अ पेन किलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका टाइप बच्चों किस पे है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर। अब आते हैं ड्रग एक्शन के बेस पे, क्या है कैटेगरी, इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे बच्चों हिस्टामाइंस के बारे में बात करते हैं, तो हिस्टामाइंस की कहानी बहुत अच्छी है एक्चुअली। मैं देखो थोड़ा हिस्टामाइंस के बारे में बताता हूँ क्या है, मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारी बॉडी के अंदर पहले से हिस्टामाइंस प्रेजेंट है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे खाना गया, आपने खाना इंटेक किया, अंदर गया, जाते ही बच्चों अंदर से हिस्टामाइन जो होगा, हिस्टामाइन चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मुंह खोल खोल के बोलता है कि भाई एसिड जहाँ छुपे हो वो सो रहा है, एसिड नींद आ रही है, सो रहा है। जैसे खाना अंदर पहुंचने वाला है तो हिस्टामाइन चिल्ला के बोल रहा है कि भाई खाना आ गया है, एसिड भाई साहब आ जाओ जल्दी से, अरे बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब सबसे खतरनाक खिलाड़ी तो हिस्टामाइन से, भाई बायोलॉजी के बच्चों को ज्यादा पता है, हमें जितना पता है वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो हिस्टामाइन का काम बेसिकली यही है कि हमारी बॉडी में जो एसिड का सीक्रेशन है उसको ये प्रमोट करता है, उससे बोलता है कि भाई खाना बाहर से आ गया, जल्दी से कूद के आ जाओ, खाने को डिकम्पोज करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, समझ में आ गया। तो हिस्टामाइन ही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एसिड को सीक्रेट होने के लिए बोल रहे हैं, और ज्यादा अमाउंट में एसिड सीक्रेट हो गया तो बचो आपकी एसिडिटी हो गई। तो करना क्या है, जिसका बाद में अल्सर वाला कॉज होता है, अल्सर जिसको हो जाता है जिस पार्ट के अंदर, उस पार्ट को निकालना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, खतरनाक होता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए खाने को कम खाओ, ऐसा नहीं कि 10-15 कचौड़ी आ गई खटाखट खा गए, ठीक है, समोसे आ गए वो भी खा गए, हम तो करें हम तो पेट भर गया अंदर से, अब आ जाइए अपनी खाना है फिर भी खा लिया, तो भाई एसिडिटी बहुत ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा तो आपको शरीर को तकलीफ होने वाली है। जिंदगी एक बार मिली, अच्छे से जियो, तो कम खाना खाओ, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो क्या होता है, हिस्टामाइन क्या करता है, बोलता है एसिड को भाई बाहर से खाना आ गया, आप निकल के आ जाओ, वो गुफा से निकल के आया, उसने एक्शन परफॉर्म किया, समझ में आ गया। तो एंटी हिस्टामाइंस क्या होते हैं, ये बेटा जो हिस्टामाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उसको ब्लॉकेज कर देता है, उसको फिनिश कर देता है। आपको मेरी बात समझ में आई कि हिस्टामाइंस वापस से कॉल ना कर पाए एसिड को, अरे पूरी बात समझ में आ रही है। तो यही बच्चों होते हैं एंटी हिस्टामाइंस जो हम लोग बाहर से लेते हैं, ड्रग्स के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर, बिल्कुल आसान भाषाओं में, आसान भाषा में समझा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल क्लियर सभी को। अब बच्चों बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा क्लासिफिकेशन कैसा है, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, ड्रग्स क्लासिफाइड इन द वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, स्ट्रक्चर आपके सेम होने चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे बच्चों एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है,
सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, ये इसका स्ट्रक्चर आप देखो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इनकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बायोलॉजिकली डॉक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ समझना है जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट की बात करते हैं, तो ड्रग्स यूजली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज लिपिड्स, आपको पता है ड्रग्स बाहर से लिया। भाई साहब हमारी बॉडी ना बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छी है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी बच्चों क्या करती है, देखो ध्यान से सुनना है, हमारी बॉडी इतनी टेक्निकली बच्चों फिट है, भगवान ने इतना अच्छा बनाया है उसको कि बाहर से जो भी चीजें जा रही हैं, अब जो भी चीज आप ड्रग्स लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो भाई साहब हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिसेप्टर्स हैं या जो भी उसको बायोमोलिक्यूल्स जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ड्रग्स के साथ, वो बहुत ही अच्छा शेप बना के रखा है। यानी शेप समझते हो, राउंड शेप का, सर्कुलर शेप का, कुछ क्यूब शेप का, कुछ ऐसा ओपन माउथ शेप का, अलग अलग टाइप के वहाँ पे स्ट्रक्चर बने हैं। अरे भाई पता ही नहीं है ना कि बाहर से दवाई तो खाई मैंने, बुखार की फीवर था मुझे, वो तो दवाई जाके बच्चों कहीं और दूसरे सेक्टर पे चिप गई जाके बायोमोलिक्यूल्स के साथ, तो एक्शन उसने अलग कर दिया, बुखार तो सही हुआ नहीं। इसलिए हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, बहुत टेक्निकली फिट है, बहुत एडवांस है, वो पहले से समझते कि अगर ये मेडिसिन ली है तो ये मेडिसिन उसी पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी और आपको सही करेगी और आपको बहुत अच्छा कर देगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारी बॉडी बहुत ही यूनिक, ये बात समझने की जरूरत है। तो बच्चों जो लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके साथ इनका इंट्रैक्शन होता है और स्पेसिफिक फॉर्म में इंट्रैक्शन होता है। तो दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। ड्रग पोजीशन सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स मे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑन एक्शन ऑन टारगेट। टारगेट का मतलब बायोमोलिक्यूल्स है ना, जिस पे अटैक करेगा जब। तो अब समझो बच्चों यहां से ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन थोड़ा बताता हूं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। प्रोटीन्स क्या करता है बच्चों, प्रोटीन्स कुछ परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। सेकंड बच्चों क्या है, रिसेप्टर्स का मतलब दोज प्रोटीन्स व्हिच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, दोज प्रोटीन्स व्हिच कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, बिल्कुल। यस, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर रहा यहाँ पे कि एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट। तो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन ए सुटेबल पोजिशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ट बाय द रिएजेंट एफिशिएंटली। मैंने जस्ट अभी बोला था, शेप बराबर आपको एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे जो आपका अटैक है वो रिएजेंट आपका एफिशिएंटली करता है, परफॉर्म करता है अपने एक्शन को। सेकेंड फंक्शन बच्चों क्या है, सेकेंड फंक्शन है एंजाइम्स का, ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। उसके पास क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों वहां पे जैसे आपका देखो ये क्या है, ये आपका एंजाइम है, समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है। तो जिस तरीके से एंजाइम का ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये जो शेप दिख रहा है, वैसे बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। वो जाके वहां पे उसने अटैक कर दिया, उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, वो इसे प्रोवाइड कराएगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस एक्टिव साइट के अलावा अगर किसी और जगह अगर बेटा ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो ये जो आपको जो शेप दिख रहा है ना एक्टिव साइट का, वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उसको हम कुछ अलग बोलते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में, समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो एक्शन होगा वो परफॉर्म किया। अब बच्चों बात करते हैं आपके इंट्रैक्शन के बारे में, ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन। ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स इन टू डिफरेंट वेज। देखो ये बच्चों क्या है ड्रग, ध्यान दो, तो ये आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट बोला है कि ड्रग एंड सबस्ट्रेट कम्पिटिटिंग फॉर एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। भाई यहाँ पे लड़ाई होती है, फाइट होती है, कंपटीशन होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या है कि ड्रग कॉम्पिटिट विद, देखो अब होगा क्या कि भाई जिसके पास प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, भाई सबस्ट्रेट के पास फंक्शनल ग्रुप भी होगा, सपोज ड्रग्स के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, अब इन दोनों में से हाईली एक्टिव फंक्शनल ग्रुप बच्चों ड्रग्स के पास है तो ड्रग पहले अटैक करेगा एक्टिव साइट के ऊपर, तो सबस्ट्रेट नहीं कर पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ड्रग बच्चों जाके वहां पे फटाक से अटैक करेगा और यहाँ से आपका जो जो एंजाइम्स है, जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, उस पर जाके आराम से अटैक करेगा, बिकॉज उसके पास एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो ड्रग कॉम्पिटिट विद नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द अटैचमेंट इन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। हाउ इज क्लियर? नेक्स्ट बच्चों है कि एलोस्टेटिक साइट क्या है। एक्टिव साइट मतलब जो आपकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे अटैक ना करके किसी और जगह आपका अटैक करता है, मतलब एंजाइम के एक्टिव साइट पे आपका जो ड्रग अटैक ना करके किसी अदर पोजीशन पे अटैक कर जाता है, जैसे यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया, तो उसको बच्चों बोलते हैं एलोस्टेटिक साइट। जैसे
Some drugs do not bind to the enzyme active sites. These bind to a different sets of enzymes. उसको बोलते हैं हम लोग allostatic sites. These binding of inhibitor at allostatic sites change the shape of the active sites in such a way that substrate cannot recognize it. तो सबस्टेट उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है और वो जाके वहां पे बच्चों क्या करेगा उसको फिक्स करेगा ठीक है.